ये देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अंडा सैंडविच। तो अंडा सैंडविच हमने कैसे बनाया है, चलिए हम दिखाते हैं आपको। उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अंडा सैंडविच। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे लजीज किचन में। तो आज हम बना रहे हैं अंडा सैंडविच। तो अंडा सैंडविच बनाने के लिए हमने ये 3 अंडे लिए हैं, और ये हमने हरा धनिया, थोड़ा सा गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट ये हमने इस कटोरी में मिक्स करके रख लिया है। इसी में अंडे का घोल बनाएंगे। और ये हमने शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर को काट लिया है, और ये थोड़ा सा हमने देसी घी लिया है, और ये हमने ब्रेड टमाटर सॉस लिया है। तो इसका हम घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने एक कटोरी ले ली है, और इसी में हम डाल देते हैं आधा चम्मच नमक। तो ये आधा चम्मच नमक हम डाल रहे हैं, और इसी में हम अंडे फोड़ लेंगे। इस तरह से सारे अंडे इसी में फोड़ के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको हम अच्छी तरीके से इसको हम फेंट लेंगे। ये देखिए, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही टेस्टी लगता है, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, हमने तावा रख दिया है, तावे पे हमने देसी घी डाल दिया है आधा चम्मच। अब घी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको इस तरह कलछी से फैला लेते हैं। इस तरह से अब इसी में हम डाल देंगे अपने अंडे का घोल। तो इस तरह से हमें इसको पका लेना है, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, हल्का ही पकाएंगे। तो देखिए, हमारा ये पक गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने ये ब्रेड ले लिया है, और इस तरह से इस पर हम सॉस लगा देते हैं हल्का हल्का, इस तरह से। अब इसी पे हम रख देंगे अपना। इस तरह, और इस तरह हम इसको लगा देंगे, और इसको हम सैंडविच मेकर में 2 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सैंडविच मेकर में लगा दिया है। ये देखिए, हमारी ये सैंडविच बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए, हमारी ये सैंडविच बनके तैयार है। अब इस पर हम थोड़ा सा, ये देखिए, इस तरह से हम टमाटर, इस तरह से टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, इस तरह से, इस तरह से हम रख लेते हैं। और इसी पे कुछ मसाले डाल देते हैं। तो कुछ मसाले ये हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा भुंजा हुआ जीरा पाउडर, जीरा, नमक, और उसमें काला नमक दोनों ही पीसे हैं। तो इस तरह से हम छिड़क देते हैं। और ये हमारी काली मिर्च, काली मिर्च हमारा काली मिर्च का पाउडर है, इसको भी हम इसी तरह से डाल देते हैं। अब ये हमारा सैंडविच, अंडा सैंडविच बनके तैयार है। ये देखिए, इस तरह से